आज हम बनाने जा रहे करेले का भरवा, जिसके लिए मैंने ये करेला लिया है। और इसके बीच से काट लेंगे और इसको पानी में उबालेंगे कुछ देर के लिए। इसको उबालने के बाद इसके सारे बीज को बाहर निकाल के रख देंगे। और उसके बाद तेल गरम करेंगे और उसमें जीरा डालेंगे। जीरा को डालने के बाद उसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसको कुछ देर के लिए अच्छे से पकाएंगे। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे और उस मसाले को भी अच्छे से पकाएंगे। और जैसे मसाले में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से पका लेंगे। पूरा मसाले को अच्छे से पकाने के बाद इसके बाद इसमें नमक मिलाएंगे और इस मसाले को निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद ये करेले में भर देंगे। उसके बाद तेल गरम करेंगे और उसमें से करेले को एक एक करके रख देंगे और उसको पकाएंगे। ऐसे ही आपको तेल में फ्राई कर लेना है जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ। ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।